सो बिफोर स्टार्टिंग आई बी एफ तो आपके क्या क्या फियर्स थे मतलब यू नो आई वॉन्ट पीपल टू नो फ्रॉम यू कि क्या क्या फियर्स थे कैसी थी आपकी जर्नी ऑफ आई बी एफ सो फियर ना सबसे बड़ा यही था कि ये भी नहीं काम किया तो क्या क्या होगा

कि ये मैं ये 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 मैं करूंगी, but बस but सब कुछ कुछ ठीक हो। हो हाँ। और ये चाहिए भी है। है नहीं नहीं कि एक चीज चीज। दूसरी थे थे उनके almighty decision के बिना तो सकता। बट exactly. वो ये कि थिंक एंड ट्रीटमेंट बिलीविंग इन ट्रीटमेंट हाँ तो ये थोड़ा सा माइंड जो है वो चेंज हो जाए लॉट ऑफ

बेबी ना होने का और ट्रीटमेंट का स्ट्रेस है या किस चीज का स्ट्रेस है यू नो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट बबल सम टाइम राइट यस यस आईवीएफ से जितने मिरेकल्स होते मैंने देखे हैं ना मतलब

hello everyone welcome to our show so we have with us a very very special guest who's also a very brave individual who decided to come forward and talk to us about her journey of infertility her journey about taking treatments lots and ups and downs she went through and she has come out of it with great strength and resilience and we're very happy to and very glad to have her here today with us and ajanki Sari story Sunenge, एंड uh, बहुत मजा आने वाला है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा एंड तक देखना बिकॉज दिस इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्रगल दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ होप एंड मोटिवेशन सो लेट्स हेयर फ्रॉम प्रगति हुज हियर एंड प्रगति वेलकम एंड थैंक यू फॉर मी इट्स सो ग्लैड टू हैव यू हियर विद दस टूडे एंड यू नो बहुत अच्छा लगा वैन यू एक्सेप्टेड दै नो यू विल कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट योर जर्नी

यू you नो know, सारा कुछ पूरा कि आपकी जर्नी कैसी थी और क्या चैलेंजेस थे एंड um, अब क्या चल रहा है सो so, मेरी जर्नी बहुत लंबी थी आई कुड नॉट गेट प्रेगनेंट फॉर फोर एंड हाफ ईयर्स सो यू कैन अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन दैट आई हैड एंड उसके बीच में मैं एक बार uh, मुझे एक बार अर्ली uh, अब वो अपन हो गया था मिस हो गया था

इसलिए मैं गई टेस्ट हुए उन्होंने डॉक्टर्स उन्होंने कुछ टेस्ट बोले मुझे बेसिक mm, मेरे part of investigation. हाँ तो हम दोनों के टेस्ट हुए जिसमें माइल्ड पीसीओडी मुझे आया था बट hmm. The doctor told me it wasn't very worrisome yeah. because इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं hmm. My husband's reports were normal. Mm. तो हमें लगा चलो ठीक है इतना एक छोटा सा वो है हर्डल ये तो हम क्रॉस कर ही लेंगे yeah. फिर उसके बाद हमने सिटी चेंज करी whenever you are at that time we were in bombay bombay okay to uske baad city change karke when we came to gurgaon to fir yahan pe we continued our medication hmm. taaki woh nahi ruke yeah and uh, started seeing another doctor here basically ऐसी जर्नी होती है फॉर एवरीबॉडी हु स्टार्ट्स मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था शुरू कर दिया था मैंने

IVF तब तक नहीं किया था। नहीं था तो मुझे ये था कि IVF को एक शॉट तो देंगे तो फिर हमने प्रोसीजर शुरू किया आपके पास। उसमें भी जब <laughs> तो आपकी क्या क्या फियर्स थे मतलब यू नो आई वांट पीपल टू नो फ्रॉम यू कि क्या क्या फियर्स थे कैसी थी आपकी जर्नी ऑफ आई सो फियर सबसे बड़ा यही था कि ये भी नहीं काम किया तो क्या क्या होगा मतलब उसके बाद क्या करेंगे आई नो उसके बाद के बारे में मुझे ज्यादा पता तो नहीं तो था टू बी ऑनेस्ट बिकॉज मतलब वो मेरी फील्ड नहीं है हाँ. मुझे सिर्फ ये पता था कि हाँ मतलब इट इज अ प्रोसेस टू कंसीव एंड इट इन्वॉल्व एंड एवरी थिंग मेडिकेशन

मुझे ये था कि कर भी जाए काम और फिर एक देर वॉज दिस पार्ट ऑफ मी दस लाइक पता नहीं क्या होगा hmm. <laughs> so, क्योंकि रिपोर्ट्स भी ओके okay हैं और yeah. नहीं हो रहा है लाइक वाई इज इट नॉट हैपनिंग अगर uh -huh. ये भी नहीं काम किया तो क्या होगा बट yeah. ठीक है मतलब वी केप्ट आर आप थ्रू आउट मेरा मोराल बढ़ाते रहे <laughs> कि नहीं नहीं होगा

खत्म कर देती खत्म कर देती उस प्रोसीजर को क्योंकि मैं इससे आगे नहीं कर सकती अब कर <laughs> कि अब तो ये भी फेल हो गया मेरे लिए वो भी फेल, फेल हो गया था कि अरे एग जल्दी रप्चर करके कुछ तो एम्ब्रियोस भी ठीक से नहीं बने थे बहुत लाइक देयर वाज नॉट वेरी गुड क्वालिटी एम्ब्रियोस बिकॉज़ एग्स रप्चर हो गए थे

आर नॉट रेडी टू एक्सेप्टो द गुड थिंग इज दट यू एक्सेप्टेड द प्रॉब एंड यू यू नो मुड हेड वो ही नहीं कर पाते लोग वहीं yes. पर रुके रहते हैं यू नो अलॉट ऑफ टाइम वो निकल नहीं पाते उस थॉट से कि क्यों ऐसा होगा क्या होगा hmm. क्यों हमारे साथ हो रहा है नहीं आंसर हमारे पास भी नहीं

इट इज अ फैट इवन इफ इट इज रिलेटेड टू मेल फर्टिलिटी मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर इट्स द फीमेल बॉडी दैट गोज थ्रू द प्रोसीजर तो उस फीमेल को ना अपने हजबेंड का अपनी फैमिली का दोनों तरफ की फैमिली का जब तक पूरा सपोर्ट नहीं होना तो वो फीमेल का भी जो मोराल है वो हाई नहीं होता थैंकफुली मेरे साथ वो पूरा सपोर्ट था थ्रू आउट एवरी स्टेप ऑफ द वे एवरी बड्डी इन माई फैमिली एंड माई इवन माई फ्रेंड सर्कल वॉज लाइक गो है कर wow. ये भी कर ये भी कर दिस इज अ ब्लेसिंग यू नो इफ यू हैव अ बैकअप ऑफ योर फैमिली एब्सोल्युटली तो कंफर्टेबल रहते हैं कपल ना बहुत एग्जैक्टली exactly. तो वो सो एटलीस्ट so, मुझे वो द एंटायर टाइम आई वाज ओनली स्ट्रेसिंग अबाउट काम करेगा कि नहीं हम्म hmm. मेरे को फैमिली का कोई कोई स्ट्रेस नहीं क्या था कौन क्या कहेगा वो नहीं उसका स्ट्रेस नहीं था मुझे थैंकफुली बहुतों को वो भी होता है पता है आई आई नो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मेरे फ्रेंड uh, है लाइक आई हैव बीन ट्राइंग टू कन्विंस देम टू गो टू अ फर्टिलिटी डॉक्टर स्टार्ट देर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड देर टोल्ड मी देर बीन ट्राइंग फॉर लाइक मोर देन ऑलमोस्ट टू ईयर्स नाउ एंड दे आर अब थर्टी बोथ होते हैं नाउ

बहुत uh, क्या बोलूँ ओवरवेलमिंग था वो मोमेंट क्योंकि वो देखना यू नो दैट दीज विल टर्न इन टू बेबीज सो बड़ा अच्छी सी बात यू नो बिफोर ट्रांसफरिंग समटाइम्स कपल्स मुझे कहते हैं कि मैम जब तक ट्रांसफर नहीं हो रहे तब तक तो बेबीज एग्जिस्ट करते हैं ना इन दिस वर्ल्ड उनके तो हम पेरेंट्स तो बन गए अभी तो इनको लाना इनको लाना है ये भी एक इमोशन है लोगों का व्हिच इज वेरी वेरी ट्रू से नो नो द होल प्रोसेस ऑफ डू यू थिंक द या बट द वर नॉट एट ऑल पेनफुल एनी अदर एनी यू वुड लाइक टू टेल पीपल दैट यू नो आई विश आई वु नोन दिस

Yeah. I can't stop thanking you because uh -huh. <laughs> yeah, That's because the I of have IVF a complete science. family. That's the beauty of IVF science. How was your experience when you came to know that you are pregnant? Oh, it was. How did you? I uh, so that was know. the did first you time in four and a half years of trying that I had seen. Intestine.

कि की कंसेप्शन कैसे हुआ कैसे हुआ वो ही मैं यही सबको बोलती हूँ कि सब भूल जाते हैं वो yeah. तो कहते हैं मैम इंजेक्शन मैंने कहा मुझे मतलब समझ नहीं आता कि आप इनफर्टिलिटी से स्ट्रेस कर रहे हो या बेबी ना होने का और ट्रीटमेंट का स्ट्रेस है या किस चीज का स्ट्रेस है यू नो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट बबल सम टाइम राइट यस यस बिकॉज़ क्योंकि वो एक बार वो कंसेप्शन यू नो आपने मुझे जब फर्स्ट टाइम वो दिखाया था स्क्रीन पे जब वो इतने छोटे-छोटे से चोटे वो थे बेबीज उसमें एंड दे वर जंपिंग मतलब फ्लोटिंग देयर वाज मूवमेंट लाइक वेरी क्लियर मूवमेंट आई फीलिंग वो अलग फीलिंग थी हाँ, उस टाइम पे उस टाइम पे कुछ मैटर नहीं कर रहा था कि आपने इतने इंजेक्शनस लगवाए और ये प्रोसीजर किया और क्या किया और वो स्ट्रगल क्या थे इट डिडंट मैटर आईवीएफ के बारे में इतनी अच्छी-अच्छी बातें सुन के मुझे खुद को लग रहा है कि माय गॉड यू नो

Yeah. तो मैंने बहुत मतलब, इंस्टाग्राम पे इतने वीडियोस देखे थे ना ऑफ ब्यूटिफुलसीयर ऑफ माई सेल्फ मैं घर पे थी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसीट गो आउट आई वॉज ओनली कमिंग आउट टू यू फॉर माई चेकअप मैं कहीं नहीं गई लाइक या आई मिस्ड आई स्केप्ड इवन गोइंग मैंने बोला मुझे कोई रिस्क नहीं लेना hmm. मुझे ये बहुत yeah, एफर्ट के बाद थोड़ा सा वो सा वैसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है एंड आई वाज लाइक कि ये इतने एफर्ट और इतने फेलियर्स के बाद मुझे मिला है मैं इसको फेल नहीं होने दूंगी hmm. ये तो मुझे एंड तक देखनी चाहिए है हमारे को <laughs> <laughs> जो नहीं तो हमें आते हैं मैसेज घूमने चले जाएं, हम ये कर ले, कर लें लें ठीक ठीक है है वो भी है, but then, you know, we really want की, ऐसा ही सोचे की हाँ, मैंने आपसे पूछे थे और आपने मुझे बोला भी था जा सकते हो बट फिर वो घर जाके मुझे होता था, नहीं, नहीं था। वो डर लगता है हाँ,

रहे थे और अभी आपकी फैमिली हो गई कंप्लीट मतलब आपको लेफ्ट नहीं देखना लाइट नहीं देखना यू आर डन हियर दिस इज योर वर्ल्ड मतलब इट वाज दैट सो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी बाय द वे

बट एटलीस्ट डू टेक दैट फर्स्ट स्टेप ना आपको डॉक्टर के पास जाना वो तो आप ही को लेना पड़ेगा ना फर्स्ट स्टेप तो आप ही को लेना पड़ेगा एट द राइट मोमेंट बिकॉज इफ यू टेक दिस स्टेप एट आफ्टर टेन ईयर ऑफ मैरेज देर ऑल्सो लिमिटेड स्कोप ऑफ हेल्पिंग राइट

Least, एक बार डॉक्टर के पास जाओ और अपने करवा लो। यू नो, डॉक्टर विल टेल यू कि आगे क्या करना है you कि, you know, आपको ना हो आईवीएफ तो हाँ, तो तो you know, किडनी स्टोन होता है किसी को कान में कोई ट्यूमर होता है किसी हाँ.

ठीक है ना ताकि इट्स योर चॉइस थर्टी फाइव के बाद भी आप बोलोगे कि आई वॉन्ट टू हैव अ बेबी बट मेरी तो रिपोर्ट नॉर्मल है मैं डॉक्टर hmm. के पास भी जाऊं थोड़ा नहीं यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट बबल

फॉर अदर पर्सन राइट इट्स नॉट ओनली अ स्टोरी जिसमें हम कह रहे हैं स्ट्रगल 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 भी लोगों को लगती है बट स्ट्रगल के बाद एक रिजल्ट आता है हाँ आप उससे मोटिवेट होते हो और वो रिजल्ट right. जब आता है ना तब वो मैं बोल स्ट्रगल मैटर ही नहीं करती राइट बिल्कुल किसी को फर्क ही नहीं पड़ता हूँ मैंने फ्रीजिंग से बेबी किए नॉट इवन मैरिड एट आई मैंने अपने एग्स फ्रीज किए मुझे कुछ याद नहीं है द मोमेंट आई सी देयर फेस आई फील आई एम सो ग्लैड कि आई वी एफ बना आई एम सो ग्लैड कि इस टेक्नोलॉजी से मेरे को इतनी हेल्प इतनी एक तो इतनी उसने मुझे मेरा वो टाइम निकाल दिया मेरा कि जब मैंने अपने पढ़ने जाना था या मैंने उसको लेवरेज किया कि मैं गई पढ़ने अपनी मैंने फेलोशिप्स करी आई केम बैक आई गॉट मैरिड एंड द ओनली स्ट्रेस उस एज में क्या होता है बच्चे का या शादी का ही होता है hmm. हमें शादी का होता था पेरेंट्स को बच्चों का होता था आई विल दोनों से हो जाओ बाय द टाइम यू नो आई विल कम बैक आई विल डू एवरी थिंग यू नो आई हैव सिक्योर्ड दिस थिंग आई आई केम बैक डिड थैंकफुली आई हैव एन हैप्पी एंडिंग बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट ट्राई एंड You yes, know, thank yeah, this journey. technology. Yes. Thank this technology. Normalize this technology. Yeah, and um, thank you so much, uh, Pragati. I'm so glad that you decided to come forward. Thank you. To tell everybody about your ups and downs in the journey. And I'm sure that, you know, more, mostly, almost all the people seeing our video will get motivated. I and really hope so. And next time, we also want your babies to be here. <laughs> <laughs> I want and babies thanks. to say that, yes, I am a proud IVA baby. Yeah. <laughs> babies. Right. For sure. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you so much.